गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। खूबसूरत दुल्हन को देख के दुल्हा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और कर दिया कुछ ऐसा काम कि मच गया हंगामा। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। हर किसी को अच्छी दुल्हन चाहिए और दुल्हन को अपना अच्छा एक पति चाहिए, पर उस दौरान ही कभी कभार कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने आती है जो कि हैरान कर देती हैं। चलिए हम लोग आपको देते हैं पूरी अपडेट, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो वैसे गुजरात के अहमदाबाद से हमारे सामने ये मामला आ रहा है, जहां पर एक शादी हो रही थी और शादी के दौरान दुल्हा जो है वो एक्चुअली में अपनी दुल्हन को देख के आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, क्योंकि वो दुल्हन इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसको लगा कि उसके साथ सेल्फी खींचनी चाहिए। अभी आप लोगों को पता है कि सेल्फी का तो जमाना ही है, कोई भी इंसान एक्चुअली में फोटोज बहुत कम खींचता है पर सेल्फीज बहुत ज्यादा खींचता है। चाहे शादी हो, चाहे कोई और अवसर हो, वहां पर सेल्फीज तो जरूरी खींची जाती है। यहाँ पर दुल्हा जो है वो एक्चुअली में लड़की के साथ सेल्फी खींचना चाहता था, जिसके कारण लड़की के पिता ने मना किया और दुल्हे ने लड़की के पिता को भी थप्पड़ मार दिया, जिसके कारण इन दोनों पक्षों के बीच में लड़ाई हुई और लड़ाई पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई और लड़की ने पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। उसने ये चीज बताया कि संजय चौहान नाम, जिनकी एज 24 साल है, उनके साथ एक्चुअली में मेरी शादी फिक्स की गई है, मैं बीकॉम की पढ़ाई कर रही हूँ और उसी के साथ अचानक से ही दुल्हा मेरे कमरे में आ गया और सेल्फी अलग अलग पोज में लेने लगे, जिसके कारण मेरे पिताजी ने उसको मना किया और मेरे पिताजी को जब मना किया तब उसने थप्पड़ मार दिया। मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मैं बोलना चाहती हूँ कि एक्चुअली में ये जो पूरा मामला है अजय चौहान है उसको एक्चुअली में सजा दी जाए, क्योंकि मेरे रूम के अंदर घुस के वो मुझे एक्चुअली में गालियां भी देने लग गया जब मैंने सेल्फी लेने से रोका। तो आई होप गाइस आप लोग इस चीज को समझे होंगे, क्या ये लड़की ने जो फैसला लिया है ना शादी करने का, वो आपकी नजर में सही है या गलत है, बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।